subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. सिल्वर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है 57,364 पे, लगभग 600 रुपए लॉस के साथ. यहाँ लगभग 1% का लॉस देखा है हमने. तो चलो देखते हैं पहले मंथली चार्ट. तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सिल्वर ने किस तरह से एक डीपर करेक्शन दिया है, एक लॉन्ग टर्म करेक्शन दिया है, और जो हमारे निचले टारगेट थे वो सभी अचीव किए हैं. लगभग हमने 55,000 के निचले लेवल भी सिल्वर में आते हुए देखे थे. और यह हो सकता है अगर 55,000 टूटता है तो हमें 49,000 के भी लेवल सिल्वर दिखा सकता है. ऑन मंथली चार्ट जो है तो अंडर परफॉर्म दिख रहा है सिल्वर एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड अभी भी जो है तो उसके हाइस की तरफ ट्रेड कर रहा है, हालांकि सिल्वर जो है तो उसके लोस की तरफ ट्रेड कर रहा है. तो यहाँ 55,000 49,000 के लेवल जो है तो आने वाले समय में आ सकते हैं. ये दोनों भी लेवल जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी. 55,000 के नीचे जो भी लेवल है उसमें आपको सिल्वर में एक्यूमुलेट करना चाहिए, कि तो 3-5 ईयर्स व्यू आपको अच्छे खासे टारगेट इसमें मिल सकते हैं. मेरा जो सिल्वर का टारगेट है लॉन्ग टर्म का वो 1-1.5 लाख रुपए का है विद 3-5 ईयर्स होराइजन. तो जो भी निचले लेवल मिलते हैं उसमें आपको जो है तो सिल्वर में एक्यूमुलेट करते रहना है. आप सिल्वर के ETF में भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, या फिर फिजिकल जो प्योर सिल्वर है उसको भी बाय कर सकते हो. उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, मगर अगर आपको वो पसंद है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. यहाँ क्लियर कट मंथली चार्ट पे बेरिश लग रहा है, और मुझे लगता है कि सिल्वर फिर से जो है तो 55,000 या फिर 49,000 के भी लेवल जो है तो आने वाले महीनों में दिखा सकता है. तो उन लेवल पे इन्वेस्टर को लॉन्ग पोजीशन बनानी है, या ट्रेडर के लिए जो है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो 200 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड जो है तो सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक दिया है. अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर जो है तो दिक्कत हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है तो ब्रीच हो जाएगा. मगर जिस तरह से अभी प्राइस पैटर्न है और इंडिकेटर पैटर्न है, मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद आपको सिल्वर में एक मूव आते हुए दिख सकती है. तो यहाँ सिल्वर एज पर वीकली चार्ट में जो रहेगा ट्रेड वो लॉन्ग साइड पर रहेगा. आपको जो बाइंग लेवल है एज पर वीकली चार्ट वो है 56,000 और 55,000 के अराउंड, और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो 54,000 के नीचे रहेगा अगर आपको मीडियम टर्म लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो. और जो ऊपर टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 61,500 का, और उसके बाद में 65,000 के टारगेट आपको सिल्वर दिखा सकता है. मगर आपको बाइंग करनी है 56,000 और 55,000 के अराउंड बाइंग करनी है. 54,000 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट 61,500, उसके बाद में 65,000 के टारगेट आपको मिल सकते हैं इन मीडियम टर्म. अभी देखते डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है, और जिस तरह से ये कैंडल बनी है इस कैंडल के लो के अराउंड अगर सिल्वर प्राइस आती है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद जो है तो फिर से आपको एक अप मूव मिल सकती है मार्केट में, जो इसको 61,500 के लेवल की तरफ लेकर जा सकती है. अभी इस महीने के लिए जो सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म के लिए वो देखते हैं. तो यहाँ मेजर सपोर्ट जोन मुझे जो दिख रहा है चार्ट में वो है 56,900, और उसके बाद में जो है तो 55,300 के सपोर्ट जोन है. इन लेवल पे सिल्वर पे लॉन्ग जाना चाहिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए. आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 54,000 के नीचे रहेगा. टारगेट जो रहेंगे आपके, पहला टारगेट रहेगा 59,500, उसके बाद में 60,900, और लास्ट में जो टारगेट रहेगा वो 63,000 का रहेगा. तो यहाँ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है आपको. जिन्होंने निचले लेवल पे ओवरसोल्ड जोन में बाय किया होगा उनमें ऑलरेडी लगभग यहाँ से जो है तो 2,000 से 3,000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी मिल चुकी है. या थोड़ा सा फिर से जो है तो इस कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, और इस कैंडल की जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर करने के लिए मार्केट एक डाउन साइड मूव दे सकता है. तो उस डाउन साइड मूव को आपको बाइंग के लिए यूज़ करना है. आपका जो बाइंग का जोन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए वो फिर से मैं बता देता हूँ, 56,900, और उसके बाद में जो है तो 55,300 के ये सपोर्ट जोन है. उसके अराउंड अगर आपको सिल्वर मिलता है तो आपको बिल्कुल लॉन्ग जाना है. स्टॉप लॉस 54,000 के नीचे. टारगेट जो रहेंगे मेरे सिल्वर पे शॉर्ट टर्म में वो 59,600,
60,900 और लास्ट में जो है तो 63,000 के लेवल जो है तो सिल्वर दिखा सकता है। मगर यहाँ जो है तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूव भी मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो आपको दिखेगा कि प्राइस कहीं भी नहीं जा रही है, मगर आपको जो है तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग साइड पे ही मौके ढूंढने हैं। और सपोर्ट जोन के अराउंड आता है सिल्वर प्राइस, सिल्वर का प्राइस, तो आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड ओपन करने हैं। टारगेट ऊपर के रहेंगे आपके, यहाँ शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो है तो आपको कभी भी एक अच्छी खासी अपसाइड मूव सिल्वर दे सकता है ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ एक अच्छी खासी गोल्ड और सिल्वर में दोनों में भी शॉर्ट कवरिंग, मगर यहाँ सिल्वर में जो है ऑलरेडी गोल्ड में आ चुकी है, सिल्वर में बाकी है, तो यहाँ आपको आगे चल के एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है सिल्वर में। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप्स रहेगा विद अ 6 स्टॉप लॉस फॉर अपकमिंग वीक। तो हमने डेली चार्ट पे देखा, वीकली चार्ट पे भी देखा, इस हफ्ते जो है तो सिल्वर जो है तो लगभग 2% डाउन बंद हुआ है, मगर पिछले हफ्ते हमने जो है तो लगभग 6% की रैली देखी थी। और मंथली चार्ट पे देखोगे आप तो लास्ट मंथ जो है तो सिल्वर में लगभग 1% का लॉस था, मगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इस महीने जो है तो लगभग हम 2% लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि निचले लेवल पे 55,000 के अराउंड जो है तो बेस बनाने के बाद आपको एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल भी सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और ऊपर के जो टारगेट है 70,000-72,000 के लेवल जो है तो आपको आने वाले महीनों में आते हुए दिखेंगे। तो सिल्वर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें बाय ऑन डिप्स या फिर एक्युमुलेशन की स्ट्रैटेजी शुरू कर देनी चाहिए। और आपका जो टारगेट रहेगा कंजर्वेटिव टारगेट 72,000 का रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है आप देख सकते हो कि वो 81,000 प्लस के लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिखेंगे इन लॉन्गर टर्म। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और श्योर शॉट कमोडिटी कॉल पर ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।